Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, myself Tehreem Iftikhar, welcome at the Score Science College online lectures. Students, it's our lesson number 10. Aaj hum book 1 ke lesson number 3 ko start kar rahe hain, jiska name hai Dark They Were and Golden Eyed, and its writer name is Ray Bradbury. Students, humne book 1 start ki hui hai, uske humne first 2 lessons complete ho gaye hain. बटन बटन एंड क्लेडिंग इन द स्काई इन टू लेसन्स को हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है. आज हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं. लेसन नंबर 3 को हम समरी से स्टार्ट करेंगे. सो आज का हमारा टॉपिक क्या हुआ, समरी. समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रे ब्रैडबरी जो हमारा राइटर है, डार्क देवर एंड गोल्डन आई जो स्टोरी है इसके राइटर रे ब्रैडबरी, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको इंट्रोडक्शन इसका देना चाहती हूँ. He was America's best science fiction writer. He is one of the most celebrated authors of the 21st century. America का best science fiction writer है और 21st century का famous writer है, famous author है. He knew the perfect combination of comedy, tragedy, mystery and science fiction to create fascinating and gripping stories. वो बड़ी अच्छी तरह से जानता है कि उसकी स्टोरीज में कॉमेडी, ट्रेजिडी, मिस्ट्री और साइंस फिक्शन को का जो परफेक्ट कम्बिनेशन है किस तरह उसने क्रिएट करना है, और इस तरह वो अपनी स्टोरीज़ को फैसिनेटिंग बनाता है कि उनमें उसकी जो स्टोरीज़ होती हैं वो टोटली उनमें ग्रिप होती है, कि उनकी स्टोरी वो जिसके बारे में बताना चाहता है उनकी उसकी स्टोरीज सेम उसके बारे में होती हैं. दिस स्टोरी जो हमारी ये स्टोरी है डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, दिस स्टोरी इज़ टेकन फ्रॉम हिज फेमस बुक द मार्शियन क्रॉनिकल्स पब्लिश्ड इन 1950. इसकी बुक का नेम है मार्शियन क्रॉनिकल्स जो 1950 में पब्लिश हुई थी. हमारी ये स्टोरी इस बुक में से ली गई है. ये तो हो गया राइटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. सेटिंग जो हमारी स्टोरी की सेटिंग किस जगह पे है, कहाँ पे है, मतलब स्टोरी की सेटिंग जो वो कहाँ पे अकर कर रही है, ये मैं आपको बताती हूँ. द स्टोरी टेक्स प्लेस इन फ्यूचर ऑन मार्स, कि हमारी स्टोरी जो है डार्क देवर एंड गोल्डन आइड मार्स पे, अर्थ पे, मतलब ज़मीन पे नहीं ये स्टोरी लिखी गई, और ये मरीख के लोगों के बारे में है. वेयर द रॉकेट स्टॉप्स एंड द फैमिली स्टार्ट्स न्यू लाइफ, जहाँ पर ज़मीन के कुछ लोग जो होते हैं उनका रॉकेट वहाँ पर स्टॉप होता है, रॉकेट लैंड करता है और वहाँ पर रहना स्टार्ट कर देते हैं. दे बिल्ड अ वाइट कॉटेज ऑन द मार्स सेटलमेंट, और वहाँ पर ही वो मरीख की सेटलमेंट, मतलब मरीख का जो सियारा है वहाँ पर ही वो अपना एक कॉटेज बना लेते हैं, अपना वो रहन सहन वहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं. ये तो होगी सेटिंग. नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं. इसकी समरी क्या है. रॉकेट लैंड्स ऑन मार्स, के एक रॉकेट जो है वो ज़मीन से एक रॉकेट मार्स पे आके मतलब लैंड होता है. बिटरिंग फैमिली प्लस 800 पैसेंजर्स, के जब रॉकेट का दरवाज़ा खुलता है तो उसमें बिटरिंग फैमिली, हैरी बिटरिंग की फैमिली होती है, उसकी बीवी है, साथ उसकी एक बेटी और दो बेटे हैं, और साथ कुछ 800 लोग हैं, ज़मीन के 800 लोग हैं जो उसके साथ उस रॉकेट से लैंड करते हैं. जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो उसके बैकग्राउंड से रॉकेट लैंड्स ऑन मार्स से हमें थोड़ा सा पता चलता है कि ज़मीन में एक एटॉमिक वॉर स्टार्ट हुई है, जिससे बचने के लिए लोग इतने किलोमीटर का सफ़र तय करके वो मरीख पे आते हैं ताकि वो उस वार से, उस जो जंग ज़मीन पे स्टार्ट हुई है उससे बच सकें. इसलिए 800 लोग जो हैं वो मरीख पे रहने के लिए आते हैं. मार्शियन सीनरी अनकम्फर्टेबल देयर, जब वो लोग वहाँ पे लैंड करते हैं तो हैरी को जो मार्शियन सीनरी है, जो मरीख का नज़ारा है, वो बहुत ही एक अनकंफर्टेबल लगता है. वो ये सोच रहा होता है कि वो यहाँ पे नहीं रह सकेगा, उसका गुजारा यहाँ पे नहीं हो सकेगा. वो तो एक ज़मीन के लोग हैं और वो कैसे एक सियारे से दूसरे सियारे के लोगों में वो कैसे एडजस्ट इतनी जल्दी हो सकते हैं, या वो यहाँ पर कैसे अपना गुजारा कर सकते हैं. स्टार्ट में तो वो जब वो वहाँ आता है तो वो मरीख में से कोई भी चीज़ बाय करके वो अपना मतलब खाना पीना भी जो है वो शुरू शुरू में वही खाते हैं जो वो ज़मीन से लेके आते हैं. हैरी सेज टू हिज वाइफ वी शुड गो बैक टू द अर्थ, बट हिज वाइफ गेव हिम सम रीज़न, कि हैरी ये मरीख के जो नज़ारे हैं, मरीख का जो इन्वायरमेंट है, वो देख के अपनी बीवी से कहता है कि हमें ज़मीन पे वापस चले जाना चाहिए, लेकिन उसकी बीवी उसको कुछ रीज़न्स देती है. वो कहती है कि क्योंकि ज़मीन पे वार चल रही है, जैसे ही वो एटॉमिक वार जब वो एंड हो जाएगी तो हम वापस ज़मीन पर चले जाएंगे, तब तक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा.
बिल्ड अ हाउस बट वॉन्ट टू गो बैक, वो वहाँ पे अपना एक घर भी तमीर कर लेते हैं लेकिन फिर भी वो वापस जाना चाहता है, वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा, वो अपनी अपने लोगों में जाना चाहता है, वो अपने मतलब जहाँ से वो आया है वो वहाँ पे जाना चाहता है क्योंकि उसको मरीख का जो इन्वायरमेंट है वो पसंद नहीं आता। न्यूज़ फ्रॉम अर्थ, लॉरा मतलब लॉरा जो हैरी की बेटी है, ऑल स्पेस स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क और डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द वॉर, कि लॉरा जो इसकी बेटी है वो एक खबर लेके आती है कि ज़मीन से खबर आई है, कि ज़मीन पे न्यूयॉर्क पे जितने भी स्पेस स्टेशन हैं वो वॉर की वजह से तबाह हो चुके हैं। हैरी ये खबर सुन के वो डिसअपॉइंट हो जाता है, हैरी फेल डिसअपॉइंटेड कि वो बिल्कुल नाउम्मीद हो जाता है कि उसकी जो थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी थी वो भी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है, वो क्योंकि वो सोच रहा था कि शायद कोई ना कोई हमें बचाने के लिए आएगा, लेकिन जब उसकी बेटी आके उसको ये खबर सुनाती है तो उसकी वहाँ पर सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, वो बिल्कुल ही नाउम्मीद हो जाता है, वो यही सोचने लगता था कि अब उसका ज़मीन में अब वो ज़मीन अपनी ज़मीन पे कभी भी वापस नहीं जा सकेगा, वो उसकी सारी ज़िंदगी अब यहाँ पे ही गुजरेगी। स्ट्रेंज इवेंट्स अक्कर, हॉट क्लाइमेट, टायर्स मेल्टेड ड्यू टू द क्लाइमेट, के इसी मतलब सूरत हाल में एक बहुत से स्ट्रेंज इवेंट्स होते हैं कि मतलब मरीख का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही शदीद तरीन गर्म होता है, हवा बहुत गर्म चलती है जिसकी वजह से उनकी जो घर का पेंट है वो उतरना स्टार्ट हो जाता है, उन्होंने जो अपनी अपने बच्चों के लिए वो टायर्स मतलब वो कहते हैं कि एक झूले टाइप वो टायर्स टायर्स को रस्सियों के साथ बांध के उन्होंने एक झूला टाइप बनाया होता है, वो टायर्स भी इतनी शदीद गर्मी होती है कि वो टायर्स भी मेल्ट हो जाते हैं। चेंज कम्प्लेक्शन, आइज़ कलर्ड, कि उनका जो कम्प्लेक्शन है जो इनका फेस कम्प्लेक्शन है वो भी डार्क होना स्टार्ट हो जाता है, उनकी जो आइज़ हैं वो भी कलर्ड ये मतलब गोल्डन येलोइश टाइप में हो जाती हैं, कि वो बिल्कुल ही चेंज होते जा रहे हैं, उनकी फिज़िकल अपीयरेंस भी चेंज हो रही है। हैरी अपनी बीवी से बात करता है कि हमें अपने जो हमारे साथ जो 800 लोग आए थे हमें उनके साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए, हमें अपना एक रॉकेट बिल्ड करना चाहिए ताकि हम अपनी ज़मीन पे वापस जा सकें। हैरी टॉक टू टाउन पीपल, वो अपने टाउन के जो लोग थे उनमें वापस जाता है, उनसे बात करता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो जो टाउन के जो लोग बाकी जो 800 पैसेंजर उसके साथ आए होते हैं उनमें जो लोग हैं वो बहुत लेज़ी हो जाते हैं कि वो बिल्कुल भी हैरी को तो बहुत टेंशन हो रही होती है ना क्योंकि वो वापस जाना चाहते हैं लेकिन वो लोग वापस नहीं जाना चाहते, वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं। हैरी टॉक टू टाउन पीपल, वो उन लोगों से बात करते हैं, आस्क टू बिल्ड अ रॉकेट और उनसे उन्हें एक तजवीज़ देता है कि हम अपना एक रॉकेट बनाते हैं। दे रिफ्यूज्ड और रिजेक्टेड हिज ऑफ़र, लेकिन वो उसकी ऑफ़र को रिजेक्ट कर देते हैं, वो उसका ना मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, वो कहते हैं कि तुम रॉकेट बनाओगे, रॉकेट बन ही नहीं सकता ये वो, इस तरह के साथ उसके ना मतलब उसकी बात का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। हैरी उनको बताता है कि किस तरह उनके जो कलर हैं वो चेंज हो गए हैं, डार्क हो गए हैं, उनकी आइज़ गोल्डन हो गई हैं, वो लंबे हो गए हैं, वो दुबले हो गए हैं, उनको बताता है कि आप लोग अपनी फिज़िकल अपीयरेंस पर गौर नहीं करते कि आप लोग कितने चेंज हो गए, लेकिन वो लोग आगे से उसको कहते हैं कि नहीं हमें तो कोई चेंजिंग महसूस नहीं होती, हम तो वैसे के वैसे ही हैं, वो उसकी बात को नहीं मानते और उसकी ऑफ़र को भी रिजेक्ट कर देते हैं। सम पीपल गो विद हिम जस्ट फॉर फन, कुछ लोग उसके साथ जाते हैं सिर्फ तमाशा देखने के लिए, कि जस्ट फॉर फन तमाशा देखने के लिए उसके साथ जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा भी है जिसको ऑफ़र करता है गेट्स ब्लू प्रिंट्स एंड मेटल, वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ ब्लू प्रिंट्स और मेटल दूंगा, कुछ दाँत दूंगा तो ताकि तुम्हें रॉकेट बनाने में तुम्हारी मदद हो सके। हैरी उसकी ऑफ़र को कबूल कर लेता है। पीपल बिकम लेज़ी, फॉरगेट टू गो बैक टू द अर्थ, और जो लोग हैं जो उसके साथ 800 लोग गए होते हैं वो लेज़ी हो जाते हैं और वो ज़मीन पर जाना भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और वो यहाँ पर आके मरीख पर आके वो बिल्कुल ही एक मरीख के लोगों की तरह रहना स्टार्ट कर देते हैं, वो वापस जाना चाहते होते। लीव्स द मास सेटलमेंट शिफ्टेड टू द माउंटेन साइड, स्टूडेंट्स यहाँ तक तो वो हैरी जब उनको आगे रॉकेट बनाने की पेशकश करता है वो उसकी ऑफ़र को रिजेक्ट कर देते हैं, फिर वो उसके साथ जाते हैं तमाशा देखने के लिए, उनमें से एक जो है वो उसको ऑफ़र करता है कि मैं तुम्हें ब्लू प्रिंट्स दूंगा और मेटल दूंगा तो ताकि तुम्हारी रॉकेट बनाने में तुम्हारी मदद हो सके। जब यहाँ तक स्टोरी पहुँचती है तो अचानक ही स्टोरी जो है ना वो शिफ्ट हो जाती है, हमें नहीं पता चलता कि स्टोरी अचानक कहाँ शिफ्ट हो रही है, कि वो इस सेटलमेंट को छोड़ के वो दूसरी सेटलमेंट में क्यों जा रहे होते हैं। लीव्स द मार्स सेटलमेंट शिफ्टेड टू द माउंटेन साइड, वो मार्स की उस सेटलमेंट वो जहाँ पे रह रहे होते हैं जहाँ पे उनका रॉकेट लैंड करता है वो इस सेटलमेंट को